मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में अवैध रूप से चल रहे उन मदरसों और संस्थानों का रिव्यू किया जाएगा जहां कट्टरता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कट्टरता और अतिवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भोपाल में मुख्यमंत्री निवास में वर्चुअली आयोजित लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर भी नज़र रखने को कहा। सीएम ने कहा कि भ्रामक खबरें, संवेदनहीन और कट्टर कमेंट लिखने वालों को पहचाने और जरूरी एक्शन लें। बैठक में मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, DGP सुधीर सक्सेना मौजूद रहे। उनके अलावा सभी जिलों के SP, DIG, IG से लेकर तमाम पुलिस अधिकारी वर्चुअली जुड़े। बैठक को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, ईद और परशुराम जयंती का त्यौहार आ रहा है, इसे लेकर भी मुख्यमंत्री ने बात कही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप पर बड़ा एक्शन लेने की बात कही। उन्होंने कहा, ऑनलाइन गैम्बलिंग रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश जुआ अधिनियम 2023 लेकर आएगी। मुख्यमंत्री ने यह बात भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में मीडिया से चर्चा के दौरान कही। लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा बैठक के बाद CM यहाँ पौधारोपण के लिए पहुँचे थे। इसी के साथ बने रहे राजनामा TV।